أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديان परवरदिगार आलम का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें और आपको एक मरतबा फिर मजलिसे आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल होने की तौफीक अता की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस हदीस का मुसलसल चंद रातों से आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ हासिल हो रहा है, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि अन्नास आबिदुद्दुनिया, के लोग दुनिया के बंदे हैं, लोग दुनिया के गुलाम हैं। वद्दीनू लैक़ुन अला अलसिनतिहिम, और दीन उनकी जबानी जबान का लकलका है, दीन उनके जबान पर सिर्फ चंद कलिमात हैं। फ़इज़ा मुहसु बिलबला, और जब उन्हें आजमाया जाता है उनके दीन के बारे में, जब उन्हें आजमाया जाए उनके दीन के बारे में, क़ल्लत दयानून, तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दवाए दर्द इंसानियत के मौजू पर हमने गुफ्तगू का आगाज किया और ये आज उस सिलसिले की चौथी मजलिस है। कल की मजलिस में हमने दुनिया परस्ती और दुनिया की मोहब्बत के बास आसार अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात की रूह से बयान किए, और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि हमें पता चल सके कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्द दुनिया परस्ती है। मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की बंदगी करना है, ये इंसानियत का सबसे बड़ा दर्द है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इसी दर्द को दवा करने के लिए, इसी मरज को ख़त्म करने के लिए इतनी अजीम कुर्बानी दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी दर्द के साथ और इसी मरज के साथ, इंसानियत के इस दर्द और मरज के साथ मुकाबला करने के लिए क़याम किया, और उस क़याम के आसार आज भी इस दुनिया परस्ती से मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम हुसैनी हैं, अगर हम हकीकी हुसैनी बनना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रविश पर और सीरत पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद तो उरूज पर हैं, खुद तो उरूज पर थे, मानवियत और रूहानियत और कमाल के बुलंदियों पर थे। अगर हम इस मरज से और इस बीमारी से मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले चाहिए कि इस बीमारी को अपने अंदर से ख़त्म करें, इस बीमारी को अपने अंदर से दूर करें, तब जाकर हम मुआशरे में और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में भी सबसे बड़ी रुकावट यही दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की बंदगी है। कि हत्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक्सर शिया दुनिया के बंदे बन चुके हैं, दुनिया की बंदगी करते हैं, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत के आसार जब हम इस हवाले से मारिफत हासिल कर लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद पेश खेमा बनेगा, ये खुद मुकदमा बनेगा, ताकि हम इस दुनिया की मोहब्बत को अपने वजूद से ख़त्म कर लें। क्योंकि जिस कदर हमें किसी चीज़ के नुकसानात के बारे में इल्म हो जाए, इंसान फितरी तौर पर और अकली तौर पर उस चीज़ से दूर होने लगता है। जिस तरह इंसान को निजासत और गंदगी और जरासीम के बारे में इल्म है, इंसान कोशिश करता है कि निजासत से दूर रहे। जिस तरह अगर इंसान के पास गंदा पानी हो, इंसान प्यास के बावजूद उस गंदे पानी को पीने के लिए हाजिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जरासीम और मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात पोशीदा है। इस वजह से इंसान कभी भी उस गंदे पानी के नज़दीक नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दुनिया परस्ती के बुरे आसार और ख़तरनाक आसार पर ज़्यादा गौर करें, तो एक तरीक़ा और एक रविश ये है कि इसके आसार पर गौर करने से आहिस्ता आहिस्ता हम उस क्वालिटी और उस सिफत और उस हकीकत से दूर हो जाएंगे। जिस तरह काउंसलिंग वगैरह में किसी
शख्स को अगर कोई सिगरेट उसे छुड़वाना चाहता है तो सिगरेट के बुरे आसार उसके लिए बयान करता है। ये बुरे आसार इंसान की फितरत से डायरेक्ट अटैच होते हैं। जब इंसान इन बुरे आसार के बारे में सुनता है, बुरी क्वालिटीज़ के बारे में सुनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इंसान फितरतन बुराइयों से नफरत करता है, इंसान फितरतन अच्छाइयों को चाहता है, इंसान फितरतन कमाल को चाहता है। देखिए, अगर एक शख्स खुद चोर भी है लेकिन यही शख्स अपने बच्चों के लिए चोरी को पसंद नहीं करता, यही शख्स पसंद नहीं करता कि चोरी के बावजूद लोग इस शख्स को चोर कहें। क्यों? क्योंकि इंसान फितरतन बुराइयों से नफरत करता है, इंसान कमालात, खूबियों और अच्छाइयों को चाहता है। लिहाजा जिस कदर हमें किसी बुरी हकीकत की बुराइयों के बारे में ज़्यादा इल्म हो जाए, उसके नुकसानात के बारे में ज़्यादा इल्म हो जाए, उसी कदर इंसान के अंदर मोटिवेशन बढ़ेगी, जज्बा बढ़ेगा कि इंसान उस बुरी हकीकत से दूर रहे, उससे दूरी इख्तियार करे। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है किसी हकीकत से दूर रहने के लिए, किसी बुरी हकीकत से। मिसाल के तौर पर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई अख्लाकी अमराज मौजूद हैं, हम गीबत करते हैं, हम हसद करते हैं, हम गाना सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि उनके बुरे आसार के बारे में, उनके नुकसानदेह आसार के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करें। ये गौर व फिक्र करना, ये इल्म हासिल करना, ये मारिफत हासिल करना इंसान को मोटिवेट करता है कि इंसान उन बुरी सिफात से दूर रहे। तो आयात और रिवायात की रोशनी में दुनिया परस्ती, अगर इंसान के दिल में दुनिया की मुस्तकिल मोहब्बत पैदा हो जाए, इंसान की ज़िंदगी की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दुनिया हो, तो उसका एक नतीजा ये होता है कि इंसान दुनिया का बंदा और दुनिया का गुलाम बन जाता है। इंसान अल्लाह की बंदगी से दूर होकर दुनिया की बंदगी करने लगता है, इंसान अल्लाह की बंदगी के दायरे से खारिज होकर शैतान की बंदगी के दायरे में दाखिल होगा। अगर इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए, इमाम अली अलैहिस्सलाम किस कदर खूबसूरत फरमाते हैं, मन अज़मत दुनिया फी ऐनिही, जिसकी आंखों में दुनिया की अजमत, दुनिया अजीम हो जाए, जिसकी आंखों में दुनिया महबूब हो जाए, कबुरा मौक़िउहा फी क़ल्बिही, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाएगी, आसा रहा अल्लाह ताला, और जिसके दिल में दुनिया की अजमत बढ़ जाए वो दुनिया को अल्लाह पर तरजीह देगा, दुनिया उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी बनेगी, अल्लाह दूसरी प्रायोरिटी, या दूसरी, तीसरी, चौथी, या हो सकता है कि आखिरी प्रायोरिटी। तो जब ऐसा हो कि इंसान की निगाहें सिर्फ और सिर्फ दुनिया पर हो, तो इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ेगी। और इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई तो वो दुनिया को अल्लाह पर तरजीह देगा, और इसका नतीजा क्या होगा, फनकता इलैहा, ये खुदा से दूर हो जाएगा, अल्लाह की बंदगी से के दायरे से निकल जाएगा, वसारा अब्दन लहा, और ये दुनिया का गुलाम बन जाएगा, दुनिया का बंदा बन जाएगा। और इसकी मिसालें हमारे यहाँ तारीख में कम नहीं है। कहते हैं किसी मुल्क का ये वाकया है कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने अपने 3 बच्चों को ज़िबाह किया था, कत्ल किया था और उन्हें कुएं में फेंक दिया था। बहरहाल जब पुलिस को इस बात का पता चलता है, वो आकर इस शख्स को गिरफ्तार करते हैं। पुलिस इसको गिरफ्तार करके जब इससे तफ्तीश की जाती है कि ये वहशियाना काम तुमने किस लिए अंजाम दिया, ये गलीज और इंतहाई बहीमाना काम तुमने किस लिए अंजाम दिया, तो वो शख्स कहता है कि मेरी शादी के बाद जब मेरे बच्चे हुए, एक दिन मैंने एक नामहरम की तरफ निगाह की और मेरा दिल उस पर चला गया, मैं उसका आशिक बन गया, मैं उससे शादी करने के लिए उसके घर गया, तो उसके वालदैन ने कहा कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी तुमसे अलग होने चाहिए, बीवी को तो मैंने तलाक दे दिया, बच्चे मेरे पास रह गए, ये रुकावट थी, ये बच्चे मेरे और उस लड़की के माबैन, इस वजह से मैंने इन्हें कत्ल कर दिया। तो इंसान अगर दुनिया का गुलाम बन जाए तो इस कदर इंसान वहशी बन जाता है। इंसान अगर दुनिया की मोहब्बत, गलत मोहब्बत, उन वो मोहब्बतें जिनकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, अगर वो मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए, उस तर्ज की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए, तो इंसान इस दुनिया का गुलाम बन जाएगा। और जब इस दुनिया का गुलाम बन जाए तो हर तवक्को इस इंसान से रखी जा सकती है, हर गलत काम की तवक्को इस शख्स से रखी जा सकती है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से कहीं हम भी इस मसले का शिकार हो जाए।
तारीख और तारीख के वाकयात बयान करना सिर्फ लोगों के टाइम पास करने के लिए तारीख ने सख्त नहीं किया। कुरान मजीद ने जो अंबिया के वाकयात और जो मुख्तलिफ अकवाम के वाकयात बयान किए हैं वो इसलिए बयान नहीं किए कि हम कुरान को पढ़कर हमारा टाइम पास हो जाए, बल्कि उनमें इबरत है। हमने कुरानी वाकयात में, कुरानी दास्तानों में अपने कैरेक्टर को ढूंढना है। करबला में हमने अपने कैरेक्टर को ढूंढना है, इन वाकयात में हमने अपने कैरेक्टर को ढूंढना है कि ये जो शख्स आशिक बन जाता है किसी लड़की का, किसी नामहरम का, और उसकी वजह से ये गलीज हरकत करता है, कहीं हम भी तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में ये काम नहीं कर रहे। फ़र्ज़ कीजिए वो एक नामहरम का आशिक बना था, मैं किसी गाड़ी का आशिक बनता हूँ और इस गाड़ी को पाने के लिए हराम काम करता हूँ, इस गाड़ी को पाने के लिए मिसाल के तौर पर हराम पैसे कमाता हूँ, हराम पैसे हासिल करता हूँ, और यही हराम पैसे आकर अपने बच्चों को खिलाता हूँ और उनकी तरबियत को ख़राब करता हूँ। ये भी उन बच्चों के हक़ में जुल्म है, ये भी उस मारने से कम नहीं है कि इंसान अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करे कि वो शैतान के बंदे बन जाए। और ये हराम माल की तासीर यही कि इंसान को शैतान का बंदा बना देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असर आशूर इत्माम हुज्जत करना चाहते हैं, आते हैं लश्कर आदा के पास, उन्हें नसीहत करना चाहते हैं कि आखिरी वक्त में शायद कोई शख्स निकल कर उनसे उनमें से आकर हिदायत पा ले, जहन्नम की आग से बच जाए। लेकिन वो शोर करने लगते हैं, वो सीटियाँ बजाने लगते हैं, तालियाँ बजाने लगते हैं, ऐसे हरकत करने लगते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ उनके कानों तक ना पहुँचे। इमाम जब कुछ देर खुतबा देते हैं, देखते हैं कि ये इस तरह पेश आ रहे हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि भाई तुम लोगों का पेट माल हराम से भरा हुआ है, इसी वजह से तुम हाजिर नहीं हो कि हक बात सुनो। हक बात सुनने के लिए हाजिर। बस अगर कोई शख्स किसी दुनियाई माल का आशिक बन जाता है और उसकी वजह से जाकर हराम कमाता है, रिश्वत लेता है, लोगों का हक छीनता है, यही इसी पैसों से वो अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल करता है, अपने बच्चों को आकर ये हराम माल खिलाता है, तो ये शख्स भी उस शख्स की तरह अपने बच्चों पर जुल्म कर रहा है, अपनी ज़िंदगी पर जुल्म कर रहा है, अपनी फैमिली पर जुल्म कर रहा है, उन्हें शैतान का बंदा बना रहा है, उन्हें राह हक से मुनहरिफ कर रहा है। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत मुख्तलिफ शोबों में इंसान की ज़िंदगी में इंसान के लिए पेश आ सकती है। लिहाजा इन वाक़ियात से और इन अहादीस और आयात से हमें इबरत लेने की ज़रूरत है। इन आयात को और इन अहादीस को हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये अहादीस आइमाए मासूमीन ने इसलिए बयान नहीं किया कि ये किताबों की जीनत बन जाए, या हमें इन्हें हम इन अहादीस को सुनकर हमारा कुछ टाइम पास हो जाए और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी जिस तरह चाहें उसी तरह गुजारें, नहीं। ये अहादीस हमारी ज़िंदगी के उसूल हैं। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, अगर हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी के उसूल हैं, ये अहादीस हमारी ज़िंदगी के उसूल हैं, और हमने इन अहादीस और इन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। दुनिया की मोहब्बत का एक और असर ये है कि इंसान नाबूदी और हलाकत की तरफ चला जाता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता नाबूदी की तरफ अपना कदम और अपना रास्ता इंतखाब करता है, और ये दुनिया इंसान को हलाकत तक पहुँच जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जअलल हुमूम हम्मन वाहिदन, कि जो अपनी ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी का हदफ मकसद तमाम कोशिश अगर एक हदफ और एक मकसद बन जाए, और वो एक मकसद क्या है, हम आखिरती ही, वो एक मकसद सिर्फ और सिर्फ आखिरत की फ़िक्र हो, यानी इंसान अगर दुनिया में उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ आखिरत पर हो, कफ़ाहुल्लाहु हम दुनिया हो, अल्लाह ताला उसके दुनिया के बाकी उमूर को किफ़ायत करता है, अल्लाह उसका वकील बन जाता है मुख्तलिफ दुनियावी उमूर के लिए। लेकिन वमन तशअबत बिहिल हुमूम फ़ी अहवाल दुनिया, लेकिन जिसकी कोशिशें दुनिया में मसरूफ़ हों, जिसकी कोशिशें दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में हो, लम युबालुल्लाहु फ़ी अय्य औ दियतहा हलक, अल्लाह ताला इसकी फ़िक्र नहीं करता, इसको छोड़ देता है इसके हाल पर कि ये जहाँ पर भी दुनिया इसे हलाक कर दे, इसे इसके हाल पर छोड़ देता है। अलबत्त इसका कतअन ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ आखिरत को मद्देनजर रखकर सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ रोज़ा रखें, दुनियावी उमूर को अंजाम ना दें। नहीं, हमें देखना ये चाहिए कि मेरी ड्यूटी अल्लाह के नज़दीक क्या है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। एक मकाम पर अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं जाकर नमाज पढ़ूँ, मैं वहाँ पर नमाज पर हाजिर हो रहा हूँ।
एक जगह अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं रोजा रखूं, मैं वहां पर रोजा रखूं। एक जगह अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं जाकर माले हलाल कमाऊं, मैं जाकर वहां माले हलाल कमाऊं, सुस्ती ना करूं। क्योंकि अक्सर लोग आखिरत के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि जब आखिरत की बात आती है, मसलन इसी हदीस को ले लीजिए, जब हम सुनते हैं कि जिसका जिसकी तमाम तर तवज्जो आखिरत के बारे में हो, इसका मतलब ये, बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़े, सिर्फ और सिर्फ इबादत अंजाम दे, बाकी कामों में सुस्ती करे। नहीं, हमने सुस्ती नहीं करनी है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रिस्क हलाल कमाना, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सवाब को मुख्तलिफ चीजों में तकसीम कर रखा है, मुख्तलिफ इबादत में तकसीम कर रखा है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिस्क हलाल कमाने में। लिहाजा हमने रिस्क हलाल के हवाले से कोताही नहीं करनी। अगर अल्लाह हमें चाहता है कि हम जाकर रिस्क हलाल कमाएं, हम जाकर रिस्क हलाल कमाएं, ज्यादा भी कमाएं, ज्यादा कमाएं, अल्लाह की राह में खर्च कर दें, जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया। कहते हैं एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, ऊंट पर बहुत ज्यादा सामान था। इमाम गुजर रहे कहीं से, एक शख्स देखता है, ए इमाम इस ऊंट पर क्या है, इतना सारा सामान क्या है? इमाम फरमाते हैं कि इसमें 100,000 दरख्त है। ये शख्स ताज्जुब करता है, नजदीक जाता है, देखता है कि उसमें खजूर की गुठलियां होती हैं। इमाम उन खजूर की गुठलियों को लेकर, दानों को लेकर जाकर सहरा में बाग आबाद करते हैं। किस लिए? कि वो बाग, उस बाग से इमाम अल्लाह की राह में फुकरा की मदद कर सके, मुस्तहकीन की मदद कर सके, दीन की तबलीग की मदद कर सके, दीन की तबलीग कर सके। लिहाजा दुनियावी उमूर में सुस्ती करना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर हम आखिरत को पाना चाहते हैं तो दुनियावी उमूर में सुस्ती करें। नहीं, हम अगर आखिरत को चाहते हैं तो हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या मांग रहा है, अल्लाह इस वक्त हमें कहाँ चाहता है। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन हर मैदान में हाजिर हैं, जहाँ पर भी अल्लाह हुक्म देता है अमीरुल मोमिनीन हाजिर हैं। अगर अल्लाह चाहता है कि अमीरुल मोमिनीन मेहराब इबादत में हो तो अमीरुल मोमिनीन मेहराब इबादत में है। अगर अल्लाह चाहता है कि अमीरुल मोमिनीन मैदान जंग में हो तो अमीरुल मोमिनीन मैदान जंग में। अगर अल्लाह चाहता है कि अमीरुल मोमिनीन जाकर फुकरा की कोमक मदद करें, अमीरुल मोमिनीन फुकरा के पास मौजूद होते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहता है कि अमीरुल मोमिनीन जाकर बाग आबाद करें, कुएं आबाद करें, अमीरुल मोमिनीन को हम वहां देखते हैं। यह है आखिरत की तलाश, यह है आखिरत के बारे में फिक्र करना, यह है इंसान का मकसद आखिरत होना। इसका मतलब यह है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़े। इसको इस्लाम ने इस नज़रिए को रद्द किया हुआ है, इस्लाम इस नज़रिए को कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। उस शख्स का वाक़या तो आपने कतअन सुना होगा कि एक दिन रसूल अकरम आते हैं मस्जिद में, मस्जिद में एक शख्स बैठा होता है, लोग उसके गिर्द जमा हैं, उसे बातें कर रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। रसूल अकरम आकर नज़दीक पूछते हैं कि इस शख्स का काम क्या है, किस लिए इसकी इतनी तारीफें हो रही हैं? तो लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये सारा दिन मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है, सारा दिन रोजा रखता है। तो रसूल अकरम पूछते हैं कि अच्छा, इसके दुनियावी उमूर कौन अंजाम देता है? तो लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, लोग अंजाम देते हैं, ये खुद पूरा दिन इबादत में, इस कदर ये बातकवा और बेहतरीन शख्स है कि पूरा दिन इबादत में गुजारता है और उसके जिंदगी के उमूर बाकी लोग अंजाम देते हैं। रसूल अकरम बहुत ही गमगीन होते हैं, रसूल अकरम को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये किस तरह का शख्स है, उसे फौरन मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं कि ये तरीका और ये रविश गलत रविश है, ये राहुल रस्म गलत राहुल रस्म है, ये सही तरीका नहीं है अल्लाह की बंदगी का, आखिरत को हासिल करने का ये सही तरीका नहीं है। लिहाजा अगर हमने आखिरत को हासिल करना है तो उसका सही तरीका ये है कि हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होनी चाहिए कि अल्लाह इस मकाम पर हमसे क्या चाहता है। आइम्मा मासूमीन की जिंदगी को हम देख लें, आइम्मा मासूमीन की जिंदगी किस तरह एक मजमूई जिंदगी है, किस तरह एक मजमूई जिंदगी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इन तमाम मासूमीन की जिंदगी एक इंसान की जिंदगी है जो मुख्तलिफ शराइत में वजूद में आया। कतअन अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन की जगह होते तो बिल्कुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरह सुलह करते, और अगर इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह होते तो क़याम करते। लिहाजा आखिरत को हासिल करना, आखिरत की तरफ तवज्जो देना, इसका मतलब ये है कि हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए कि अल्लाह किन शराइत और किन मकामात पर हमसे क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है।
इसके मुकाबले में दुनिया परस्ती है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को देखे, इंसान अपनी लज्जतों को देखे, इंसान अपने तमायुलात को देखे, इंसान अपनी दिल में पैदा होने वाली मोहब्बतों को देखे, अल्लाह की तरफ तवज्जो ना दे, अल्लाह से गाफिल रहे। यह दुनिया परस्ती। इमाम अली अलैहि सलाम फरमाते हैं, कुल्लमज़दाद अल-मर्उ बिद-दुनिया शुग़लन वज़ाद बिहा वलहन। कहते हैं, एक शख्स जिस कदर ज्यादा दुनिया में मसरूफ हो जाए और उसकी तमाम तर तवज्जो दुनिया में मबजूल हो जाए, औरदतहुल मसालिक व औक़अतहु फिल महालिक, उसके टेंशन, उसकी मसरूफियात ज्यादा हो जाती हैं और ये दुनिया उसे किसी न किसी खास मौके पर हलाक कर देता है। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत का एक असर हलाकत और नाबूदी है। हलाकत और नाबूदी है कि ये दुनिया एक न एक दिन इस शख्स को जरूर हलाक करे। कहते हैं कि एक ताजिर, बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन उसके मुकाबले में एक और ताजिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था, बढ़ रहा था। ये कुछ मुद्दत इंतज़ार करता है और उसका जो रकीब होता है, उसका जो हरीफ होता है, वो इससे ऊपर चला जाता है। इसको इस कदर गुस्सा आता है, इसके दिल में हसद की आग इस कदर बढ़ जाती है कि ये अपने ग़ुलाम को कहता है कि मुझे मारो, मुझे कत्ल कर दो और जाकर इस ताजिर के घर में बैंक दो ताकि आकर पुलिस इसे गिरफ्तार कर दे और इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। दुनिया परस्ती इंसान को इस हद तक पहुंच जाती देती है। दुनिया परस्ती ये काम इंसान के साथ अंजाम देती है कि इंसान एक न एक दिन हलाक हो जाता है। इसका गुलाम मना करता है, लेकिन इसका ये शख्स हुक्म देता है उसे कि तुमने हतमन ये काम करना है और मुझे मारकर इसके घर पर छोड़कर तुम इस शहर से निकल जाओ। ये गुलाम ऐसा ही करता है, अपने इस मालिक को मारकर उस हरीफ के घर पर लाकर छोड़ देता है, उसके छत पर जाकर उसे पैंक देता है और खुद शहर से निकल जाता है। लोगों को पता चलता है, पुलिस आकर इस शख्स को गिरफ्तार करता है और इसे काजी के पास ले जाता है। काजी हुक्म देता है कि इसे फांसी की सजा दी जाए, इसने अपने एक ताजिर को कत्ल किया। कि इसी दौरान वो गुलाम वापस आता है, उसके दिल में एक हसरत आती है, उसके दिल में एक पशेमानी आती है। वो वापस आकर काजी को तमाम बातें बता देता है और वो ताजिर बरी हो जाता है, रिहा हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को इस हद तक गिरा सकती है, इस हद तक इंसान को जानवर बना सकती है और इंसान की हलाकत उस वक्त हतमी हो जाती है, इंसान हतमन उस वक्त हलाक हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत की एक और क्वालिटी इमाम अली अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, मन ज़हिद फ़ि दुनिया इस्तराह क़ल्बुहु व बदनुह, कि जो दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है, जो दुनिया की परवाह नहीं करता, जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो जाहिदाना जिंदगी गुजारता है। उसका जिस्म और उसकी रूह दोनों आराम होती है, मुतमईन होती है, पुरसुकून होती है। वमन रग़ब फ़ीहा तअब क़ल्बुहु व बदनुहु, और जो दुनिया का आशिक बन जाता है, जो दुनिया का शैदाई बन जाता है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और उसका बदन और उसकी रूह दोनों बेचैन होती है, उनमें इत्मीनान नहीं होता, उनमें सुकून नहीं होता। अगर आज हम अपने इस मौजूदा दौर को एनालाइज करना चाहें, किस कदर बेसुकूनी ज़्यादा है, किस कदर इस्तराब ज़्यादा है, किस कदर नफ्सियाती बीमारियां ज़्यादा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस कदर तरक्की करने के बावजूद नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जिस कदर सहूलियात ज़्यादा होंगी, उस कदर ही इंसान के अंदर आरामिश होगी, उसी कदर ही इंसान के अंदर सुकून होगा, जबकि मौजूदा हालात ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। इस्लाम ने 1400 साल पहले इस हकीकत को बयान किया था, लेकिन बहरहाल हम चूँकि ज़्यादा दीन पर, क़ुरान पर, क़ुरानी आयात पर ज़्यादा ईमान नहीं रखते, ज़्यादा यकीन नहीं रखते, तो बहरहाल उसको अगर हम साइड पर भी रखते हैं, मौजूदा हालात ने इस बात को साबित किया हुआ है कि इंसान के इत्मीनान और सुकून का ताल्लुक ज़ाहिरी आसाइश से नहीं है, ज़ाहिरी तरक्की से नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी से नहीं है। अगर ऐसा होता तो साइंस और टेक्नोलॉजी 100 साल की निस्बत कितनी तरक्की कर चुकी है, तो 100 साल की निस्बत आरामिश, सुकून, इत्मीनान को उतना ही ज़्यादा होना चाहिए था। जबकि अगर हम कंपेयर करें तो आज 100 साल की निस्बत, 100 साल पहले की निस्बत आज
इस्तराब, नफ्सियाती बीमारियाँ, नफ्सियाती गोलियाँ, नफ्सियाती दवाइयाँ, नशा आवर चीज़ें, तलाक, नशा आवर चीज़ें, खुदकुशियाँ, इनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। बस इसका मतलब यह है कि इत्मीनान और सुकून का ताल्लुक इन ज़ाहरी वसाइल और असबाब से नहीं है। इस ये दर हकीकत, ये हकीकत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उस हकीकत को बयान फरमा रहे हैं, वमन रग़ब फ़ीहा तअब क़ल्बुहू व बदनुहू, कि जिस कदर इंसान दुनिया में ज़्यादा मशगूल हो जाए, ज़्यादा मसरूफ हो जाए, उसी कदर उसका जिस्म और उसकी रूह खस्ता होगी, थक जाएगी, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होगी। और इस थकावट को दूर करने के लिए यह शख्स चूँकि अल्लाह के साथ इसका रबता नहीं है, चूँकि अल्लाह के ज़िक्र के साथ इसका रबता नहीं है, ये गलत चीज़ों की जानिब जाएगा, ये नशा आवर चीज़ों की जानिब जाएगा, ये नफ्सियाती दवाओं की जानिब जाएगा, ये ख़ुदकुशी की जानिब जाएगा, ये लड़ाई झगड़े की जानिब जाएगा। लिहाजा अगर हम सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं, तो इमाम इस सुकून और इत्मीनान का नुस्खा और फार्मूला बयान करते हैं कि मन ज़हिद फ़िद दुनिया इस्तराह क़ल्बुहु व बदनुहु, कि जो दुनिया में जहद इख्तियार करे, जो दुनिया में जाहिदाना ज़िंदगी गुजारे, उसका बदन और उसका जिस्म और उसकी रूह मुतमईन होगी। वमन रग़ब फ़ीहा तअब क़ल्बुहु व बदनुहु, लेकिन जो जिस कदर दुनिया में मसरूफ होगा, उसके अंदर ताब, थकावट, खस्तगी उसके जिस्म में और उसकी रूह में उसी कदर ही ज़्यादा होगी। या दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि थमरतुल वलह बिद्दुनिया अज़ीमुल महना, कि दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करना, दुनिया में ज़्यादा मसरूफ हो जाना, दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, उसका नतीजा, उसका फल यह है कि इंसान थक जाता है, इंसान ज़िंदगी से थक जाता है। आजकल कितने जवान हैं, उनके पास मोबाइल भी है, गाड़ियाँ भी हैं, पैसे भी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं। बहुत सारे जवान आकर हमारे साथ अपने मसाइल डिस्कस करते हैं कि हम ज़िंदगी से थक गए हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं, हमारी ज़िंदगी में आसाइश है, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं, उसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं। तो उसकी वजह यही है कि इंसान जिस कदर दुनिया में मसरूफ हो जाए, उसी कदर इंसान की ज़िंदगी में ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर थकावट और खस्तगी आएगी और इंसान इस ज़िंदगी से थक जाएगा। या इमाम अली अलैहिस्सलाम दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि कुरिनतिल मिहनतु बिहुब्बिद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत और थकावट, जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी थकावट एक दूसरे के साथ अल्लाह ने इन दोनों को करार दिया है। जहाँ पर एक होगी दूसरा ज़रूर होगा, दुनिया की मोहब्बत होगी, थकावट और ज़िंदगी से बेजारी ज़रूर होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी कोशिश के साथ और अल्लाह की मदद के साथ दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल सकें। और आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अस्हाब हुसैन के साथ तवस्सुल करते हैं कि उनकी ख़ास मदद हमारे शामिल हाल हो, ताकि हम इस मकसद में कामयाब हो सकें, हम हुसैनियत की इस राह में कामयाब हो सकें, हुसैनियत के इस मकसद में हम कामयाब हो सकें। आज तवस्सुल करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बूढ़े दोस्त के साथ, हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ। कहते हैं एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अस्हाब के साथ मदीना की गलियों से गुज़र रहे हैं कि देखते हैं कि चंद बच्चे खेल रहे होते हैं। रसूल अकरम के पास जाते हैं, उन बच्चों में से एक बच्चे को बुलाकर अपनी बगल में बिठाते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं, अपना दस्त शफ़क़त उसके सर पर फेरते हैं, उसे बोसा दे देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। असहाब पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने किस लिए इसके साथ बाकी बच्चों से हटकर मोहब्बत की, इसे बोसा दिया, इसे अपने पास बुलाया, इसे वक्त दिया? तो रसूल अकरम फरमाते हैं कि इसका नाम हबीब है और ये मेरे नवासे हुसैन की मदद करेगा। करबला में जब मेरा नवासा शहीद होगा तो ये हबीब उसकी मदद करेगा, अपनी ज़िंदगी छोड़कर आकर अपनी ज़िंदगी मेरे नवासे की राह में, मेरे हुसैन की राह में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देगा। और ऐसा ही हुआ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के नज़दीक पहुँचे तो इमाम कासिद भेजते हैं हज़रत हबीब की जानिब। कासिद आता है, रात की तारीकी में कूफा पहुंचता है, हबीब के दरवाज़े को खटखटाता है और इमाम का ख़त हबीब को देता है। हबीब दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़े के पास
खत खोल कर पढ़ता है, जो ही खत पढ़ना शुरू कर देता है हबीब जोर जोर से गिरिया करना शुरू कर देते हैं। इस कदर जोर से गिरिया करना शुरू करते हैं कि उसकी जौजा आती है और रोने की वजह दरियाफ्त करती है। हबीब कहता है कि मेरे मौला और आका का ख़त आया है और मेरे मौला और आका ने मुझे बुलाया है कि मेरी मदद को आओ। हबीब अब इस परदेश में मदद करने वाला कोई नहीं, ए हबीब मेरी मदद को आओ। हबीब की जौजा पूछती हैं कि हबीब और क्या लिखा है इस खत में कि तुम इस कदर रो रहे हो, इस कदर गिरिया कर रहे हो। तो हबीब फरमाते हैं कि मेरे मौला और आका ने लिखा है कि ए हबीब जहरा की बेटियां भी मेरे साथ हैं, जहरा की बेटियां भी, मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं, अगर मदद को आना चाहते हो तो फौरन आ जाओ। हबीब की जौजा पूछती हैं अच्छा हबीब तो तुमने क्या फैसला किया है, क्या करोगे। हबीब कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जाकर कूफे के बुजुर्गों से सलाह मशवरा करूं, उनसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब हबीब की जौजा ये अल्फाज सुनती है तो हबीब से कहती है कि हबीब तुम पुराने हबीब नहीं रहे, तुम तो वो हबीब थे जो हमेशा हुसैन का नाम लिया करते थे, अब जब हुसैन की मदद की बात आई है तो तुम सलाह मशवरे की बात कर रहे हो। अल्लाह अकबर। हबीब जवाब देता है कि ए जौजा मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि क्या तुम राजी हो या नहीं, क्या तुम आमादा हो या नहीं। अल्लाह अकबर। हबीब अपने गुलाम को, अपने घोड़े को कूफा से बाहर भेज देते हैं। अपने गुलाम से हबीब कहता है कि जाकर कूफे के बाहर मेरा इंतजार करो, रात की तारीकी में मैं आऊँगा, रात के आखिरी पहर में मैं आऊँगा और दोनों चलेंगे इमाम हुसैन की तरफ। हबीब का गुलाम उसका घोड़ा लेकर कूफे के बाहर आता है, कूफे के बाहर आता है। रात गुजर रही है, सुबह नज़दीक हो रही है, लेकिन हबीब का कोई पता नहीं। एक मरतबा ये गुलाम अपने साथ विर्द करता है, अपने साथ हदीस नफ्स करता है कि ए गुलाम तुम्हारा मालिक और आका नहीं आया, चलो मैं कुछ देर और इंतजार करता हूं, अगर मेरा मालिक और आका हबीब ना आया तो मैं खुद जाकर हुसैन की मदद करूंगा, अपने मौला और आका की नियाबत में हुसैन की मदद करूंगा। इतने में हजरत हबीब नजदीक पहुंचते हैं और यह जुमले सुनते हैं, हबीब की आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं कि अल्लाह अल्लाह ये हुसैन पर कैसी मजलूमियत आई है कि एक गुलाम भी हुसैन पर तरस रहा है, एक गुलाम हुसैन पर तरस रहा है। बहरहाल रवाना होते हैं। जब ये कूफा से रवाना होते हैं वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार उठकर खड़े होते हैं, गोया किसी का इंतजार कर रहे हैं। अस्हाब आकर पूछते हैं मौला किसका इंतजार हो रहा है, मौला किसका इंतजार हो रहा है, एक मदद करने वाला आ रहा है, एक मदद करने वाला आ रहा है। अस्हाब कहते हैं मौला इस परदेश में कोई मदद करने वाला नहीं। मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं नहीं, एक मदद करने वाला है, मैंने उसे बुलाया है और उसके वफा में कोई शक नहीं। कि इतने में एक शख्स दूर से आता हुआ दिखाई देता है। मौला उठ कर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं हबीब आए हैं, हबीब को आगोश में लेते हैं, हबीब को आगोश में लेते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हबीब करबला में खुशामदीद, खुशामदीद करबला में ए हबीब। एक वक्त एक कासिद जाकर हजरत ज़ैनब के पास एक कासिद पहुंचता है कि बीबी बीबी हजरत हबीब आए हैं। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक सलाम भेजते हैं कि जाकर हबीब को कहो कि ज़ैनब का सलाम हो तुम पर ए हबीब, कि तुम हमारी मदद के लिए आए। एक मर्तबा हबीब जब ये जुमला सुनता है कि बीबी ज़ैनब ने हबीब पर सलाम भेजा है, एक बीबी ज़ैनब ने हबीब पर सलाम भेजा है, एक मर्तबा अपने आप को खाक पर गिराकर अपने आप से कहता है ए हबीब तुम्हारी क्या हैसियत, तुम एक गुलाम हो और शहजादी कौनैन की बेटी तुम पर सलाम कह रही है। और इस तरह हबीब इमाम हुसैन की मदद को पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिकाब में जाम शहादत नोश फरमाते हैं। ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت اور توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے زبان مبارک کو ہمارے لیے دعا گو اور مستغفر قرار دے۔ بار الہ مومنین مومنات ملتمسین دعا بانیان آزاداری کی خدمت کرنے والے دنیا میں جس جگہ بھی ہیں، بار الہ جو مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرما، جو حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما،
जो मरीज रखते हैं उन्हें शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा, जो मुसाफिर हैं उनका सफ़र बेखतर फरमा, हमारे मरहूमीन, हमारे रिश्तेदार, हमारे ज़वी हकूक़, हमारे असातीद जो इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें अहले बैत के साथ महशूर फरमा, और आखिर में तमाम मरहूमीन के लिए शुहदा शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास मा सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء.